7 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है, तो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। सैनिक के देश की सेवा करता है, सैनिक के लड़ता है और सैनिक के आगे रहता है हर चीज में। और सैनिकों को धरने पर बैठा दिया, सैनिकों को क्या, एक आंगनबाड़ी वाली कर्मचारी जो भी है बेचारे सभी धरने पर बैठे हैं। किसान है कहीं पर भी लगा लो, या क्या हो गया जनता को रोड पर ही लिया की छोड़ दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, इसकी आंख खुलनी चाहिए। बाजीगर वाला खेल बंद कर दे, इडू मुंड भी हम बाजने नहीं देंगे, इडू मुंड को हम फोड़ के रहेंगे। फौजी से ताल्लुकात, फौजी की बीबी होने के नाते यहाँ पे हमारा दुर्भाग्य है, हमने जंतर मंत्र पर धरना स्तर पर आना पड़ रहा बार बार। और जो भी हमारे सैनिक भाई बैठे हैं उनकी सुनाई नहीं हो रही। ये मुर्दा सरकार है, मुर्दा सरकार की सो रही है, तो इसका आँख खोलने का काम करने के लिए आए हैं। 25 तारीख को हम मैसेज देंगे हर गांव में, हर शहर में, हर स्टेट में। अपना संदेश बताना चाह रही हूँ, मोदी के बाप का हक नहीं मांग रहे हम लोग, हमारा हक है और हमारा ही पैसा है। एक माचिस की सीख भी ले, माचिस की डब्बी लेते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। उस टैक्स में तुम्हारी जो भी सैनिक भाई हैं, जो भी है सरकार देती है तो उसमें से देती है। $1 का 1 रुपया आया करता था। ऐसी क्या सरकार की मजबूरी है, ऐसी की हमारी गवर्नमेंट की मजबूरी है ताकि उस डॉलर के बदौलत, 1 रुपये के बदौलत उनको इतना पैसा देना पड़ रहा। हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहना चाहिए, हमारे सैनिकों के बीच में रहना चाहिए, उनके बच्चे पढ़ने चाहिए, उनकी सेवा के अंदर लगना चाहिए। ऐसा क्या दुर्भाग्य हो गया, हमने इतने दिन से 273 दिन से भी ऊपर हो गए हैं, हमने धरने के ऊपर हम बैठे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। सरकार को जागना पड़ेगा, हम जगा के रहेंगे। जहां पे भी नारी की बात आई है, नारी की शक्ति जहां पे भी खड़ी हुई है तो हमेशा जीत हुई है, जीत दिला के रहेंगे सैनिकों भाइयों को, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमने अपनी जान भी देनी पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं ये संदेश दूंगी, जो भी मेरी माता है बहनी मेरी बात सुन रही हूँ, जैसे मैं हूँ, जैसे विडो औरत भी है, तो 25 तारीख को कृपा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, उनके बच्चों की दुआएं करती हूँ। उस दिन 25 तारीख को दिल्ली जंतर मंत्र पर जरूर से जरूर पूछे, नई दिल्ली सवेरे रेलवे स्टेशन के साथ है और 8 बजे का टाइम है, और ज्यादा से ज्यादा पूछे। ये संदेश मैं देना चाहती हूँ और मोदी को बताना चाहती हूँ, हम पीछे नहीं हटेंगे तो कुछ भी हो जाए। और बेपक्ष खड़ा होने लग रहा है, ये नहीं सोच रहा है भाई, बेपक्ष इस सरकार के खिलाफ खड़ा होने लग रहा है। कदे मोदी जी नू जाने मेरे बेपक्ष में कोई खड़ा नहीं हो रहा, बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा इस बात का। आने वाले समय में इसको पैर धरने को भी जगह नहीं मिलेगी, इंडिया के अंदर बाहर भागना पड़ेगा मोदी जी को। अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंचे तो मोदी कान खोल के सुन लो, सैनिकों को ऐसा है वो दे देना चाहिए, जो उनकी मांग है उनकी पूरी करनी चाहिए। जय हिंद, जय नमस्कार, जय भारत।